हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर एक बातों का ध्यान रखना होता है, चाहे वो आपके खान पान के लिए हो, आपके रहन सहन के लिए हो या आपके रूटीन के लिए हो। कई बार ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी में। गर्भावस्था में अगर आप चाहते हैं आपका शिशु स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आज मैं बात कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या करने से शिशु को गंभीर चोट लग सकती है गर्भ के भीतर। ऐसा क्या काम है, ऐसा आप क्या करते हैं, ऐसी आपकी क्या आदतें हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो, आपके शिशु को कोई नुकसान नहीं हो, आप मुश्किल में नहीं पड़ जाएं। क्योंकि शिशु को अगर गंभीर चोट लग गया, जख्मी हो गया गर्भ के भीतर, तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है दोस्तों। आपकी खुशियां क्षण भर में खत्म हो सकती है, जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या गलतियां होती हैं, मैं वही बताने जा रही हूँ। शिशु को गर्भ में गंभीर चोट लगने का जो मेन कारण होता है दोस्तों, वो है पेट पे दबाव पड़ने की वजह से। अब ये आपको पता होनी चाहिए कि दबाव कैसे पड़ जाता है और चोट कैसे लग जाती है, समस्या कैसे उत्पन्न हो जाएगी। भारी सामान अगर उठाते समय अगर कोई गलती हो जाए, हाथ से छूट जाए, पेट से टकरा जाए या आप कभी अनबैलेंस हो जाएं, तो शिशु को चोट लगने की संभावना हो सकती है दोस्तों। क्योंकि पेट पर एकाएक चोट लगेगा, दबाव पड़ जाए और इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ेगा। बैठकर अगर आप कपड़े धोती हैं, तो कई बार ऐसे मशगूल हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि घुटने और जांघ के बीच में पेट आ गया और ज्यादा दबाव पड़ गया। कई बार कपड़े धोने के चलते जो हाथ से धोती हैं महिलाएं, ऐसी समस्या आ जाती है, उनको पता ही नहीं होता, गलतियां हो जाती हैं। तेजी से अगर आप सीढ़ियां चढ़ती हैं, उतरती हैं, तो भी शिशु को नुकसान पहुंच जाता है दोस्तों, चोट लग सकता है आपके गर्भ के भीतर। तो ये भी ध्यान रखना है, आपको आराम आराम से सीढ़ियां चढ़ने और उतरने चाहिए, ताकि चोट की संभावना नहीं हो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, रसोई में आप खाना बना रही होती हैं, किचन में होती हैं, स्लैब आपके सामने होता है और अगर तंग किचन है तो घूमते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए कभी भी चोट लग सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप किचन में काम करें तो ये जरूर जान लें कि कहाँ कहाँ चोट लगने की वजह हो सकती है, समस्या हो सकती है। आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप टकरा सकते हैं, मान लीजिए कोई टेबल है, वो रास्ते में पड़ता है, आप कई बार अंधेरे में जा रही हैं, वो टेबल का कोना आपके पेट में लग सकता है, ऐसे पलंग का कोना हो सकता है दोस्तों, दरवाजे भी आ सकते हैं, कोई और ऐसी चीज जिसे आप टकरा सकती हैं, आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक यात्रा करने के कारण भी शिशु को चोट लग सकती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रही हैं और अगर आप आराम से नहीं बैठी हैं या आप चढ़ रही हैं, तो आपको धक्का लग सकता है, ब्रेक लगने के कारण आगे पीछे आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको टक्कर भी हो सकती है, चाहे वो सीट का टक्कर हो या किसी इंसान का टक्कर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको डायरेक्ट चोट लग जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार आपको पता नहीं होता है, लापरवाही हो जाती है, अनजाने में महिलाएं गिर जाती हैं, तो इस वजह से भी चोट लगने की संभावना हो जाती है। कई महिलाएं योगा व्यायाम करने लगती हैं गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि कई लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आप योगा करें, व्यायाम करें, और अगर आप पहली बार योगा व्यायाम कर रही हैं तो आपके लिए तो मुश्किल हो ही जाएगा दोस्तों। तो जो भी करें
डॉक्टरी सलाह से ही करें। कई बार आप उछल कूद करने लगते हैं, ये आपको नहीं करना है दोस्तों। उछल कूद करेंगे, गिर जाएंगे, दबाव पड़ जाएगा तो चोट लग सकती है। कई बार खेलने के क्रम में आप कभी किसी बच्चे के साथ खेलने लगे, बॉल फेंक दिया, कुछ हो गया या टकरा गई तो भी दिक्कत हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। गलत तरीके से अगर आप सोएंगी तो भी चोट लग जाएगा दोस्तों। आप एकदम से झटके लेकर उलट जाएंगी, पलट जाएंगी, लेफ्ट से राइट हो जाएंगी, राइट से लेफ्ट हो जाएंगी, पेट के बल सो जाएंगी तो दिक्कत तो होगा दोस्तों। शिशु को चोट तो लग सकता है। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है दोस्तों, महिलाएं संबंध बनाते समय भी चोट लग जाता है, तो पेट पे दबाव नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। और लापरवाही गलती से ही होती है दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ ये आप जानबूझकर करेंगे, पर गलतियां होती है। अगर आप सजग रहेंगे, आप सोच के रहेंगे ये काम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, चोट लगने की संभावना हो सकती है, तो चोट नहीं लगेगा। केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना पड़ेगा, रूटीन आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा ताकि गर्भ को नुकसान नहीं हो, आपको चोट नहीं लगे। क्योंकि गर्भ में शिशु को अगर चोट लग गया दोस्तों तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे आप मुश्किल में आ जाएं, क्योंकि खुशियां बरकरार रहनी चाहिए दोस्तों। खुशियों में कुछ आपकी गलतियां खलल न डाल दे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, आप अच्छे से केयर करते हैं खुद अपना, तो दिक्कत नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है अपने गर्भ का, अपने शिशु का। मैं आशा करती हूँ अब आप अपना ध्यान जरूर रखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, मैं जवाब दूंगी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।